नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय के घोषणा पत्र पर कितना काम किया है, इसको लेकर किसी भी चौराहे पर चर्चा कर ले। उन्होंने कहा कि आज जनता कांग्रेस को समझ गई है, कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। देवभूमि उत्तराखंड से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2022 को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फिर से राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ लाना है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस नए कपड़े सिलाकर आती है, आपदा के समय पार्टी के नेता कहाँ थे। शाह ने हरीश रावत पर साधा निशाना और ये कहा कि अब जनता आपको समझ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी सवाल दागा कि आखिर किसके कार्यकाल में नकली शराब बनी थी। मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहाँ पर योजना हुई है। 1,00,000 किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर विभाग बनाकर मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, इस सब के कल्याण के लिए बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अमित शाह ने जितनी योजनाओं का नाम लिया वो सब कांग्रेस के वक्त शुरू की गई हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी शाह के दौरे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अमित शाह जी का जो उत्तराखंड का दौरा रहा है वो एक निराशाजनक रहा है इस संदर्भ में कि उन्होंने आकर के क्या किया। सबसे प्रथम बात तो ये है कि महिला जिसने उत्तराखंड को बनाने में अपना योगदान दिया उसके लिए घर जो घिसियारी योजना है उसका नाम ही इतना अजीब सा है जो महिलाओं के सम्मान में मुझे नहीं लगता कि ये नाम होना चाहिए। दूसरी बात, आप इतनी सारी योजनाएं गिना के चले गए लेकिन जनता को ये बता के नहीं गए कि ये जो योजनाएं हैं ये किसके शासन काल में जो है ये पास की गई थी। तो जनता समझ रही है, चुनाव आ चुका है, आपको इसलिए देवभूमि की याद आ रही है। चमोली आपदा आई, अभी आपदा आई, जिस तरीके से लोग परेशान थे कोरोना काल में, जिस तरीके से लोग परेशान थे, मृत्यु झेली अपने परिजनों की लोगों ने, तब उस वक्त आपको उत्तराखंड याद नहीं आया। चुनाव में उत्तराखंड याद आ रहा है। ये राजनीतिक जो जुमलेबाजी करने उत्तराखंड में आए हैं जनता समझती है और अपना मन बना चुकी है। अब भाजपा के कितने भी बड़े नेता यहाँ पे आ जाए, जनता अपना मन नहीं बदलेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली उत्तराखंड में थी और आगे भी इस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की रैलियां उत्तराखंड में होंगी, पर उत्तराखंड की जनता अब इन प्रलोभनों में फंसने वाली नहीं है और इन रैलियों का अब भाजपा सरकार को कोई
फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी की कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। यहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। तो उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है, यहाँ के स्वास्थ्य शिक्षा पर उत्तराखंड में अभी कोई काम भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में नहीं। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीन मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सूरत सिंह नेगी जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। और मोनिका गुप्ता जी भी इस समय हमारे साथ लाइव बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। मोनिका जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो शाह के दौरे के दौरान ये रहा कि आपने घसियारी योजना लॉन्च की है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में 50% महिला मतदाता हैं। ऐसे में इस योजना के जरिए आप महिला मतदाताओं को छूने में कितना सफल खुद को मान रही हैं, मोनिका जी? मोनिका जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं। मोनिका जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, एक बार दिखवा लेते हैं। तब तक सूरज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, घसियारी योजना से दिक्कत कहाँ आ रही है? अमित शाह का हमने आज पूरा भाषण भी सुना, उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे कटाक्ष किए हैं, खासकर नकली शराब को लेकर। देखिए पल्लवी जी, जी सर, उत्तराखंड में अभी अभी आपदा आई है और देश के माननीय गृह मंत्री जी हवाई दौरा करके गए, सैर सपाटा करके गए, और आज ये घसियारी शब्द जो है, कांग्रेस पार्टी को इस घसियारी शब्द से ही आपत्ति है। आप 21वीं सदी के उत्तराखंड को 18वीं सदी में ले जाना चाह रहे हैं, और क्या घसियारी क्या शब्द दिया आपने? हम लोग जो है तीलू रौतेली की बात करते हैं, हम लोग गौरा देवी की बात करते हैं, हम हंसा घने की बात करते हैं, हम वचनपाल की बात करते हैं। उत्तराखंड की महिलाओं ने देश में अपना नाम रोशन किया है और ये उत्तराखंड राज्य जो है महिलाओं की ताकत से बना है, महिला शक्ति के आंदोलन से बना है। तो ये आज घसियारी योजना, बेहतर होता कि ये राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पर्याप्त थे, और इस योजना का शुभारंभ तो जो सहकारिता मंत्री है माननीय घन सिंह रावत जी, वो 3-4 दिन पहले कर चुके हैं। अब ये दोबारा से गृह मंत्री जी से इस योजना का उद्घाटन करवा रहे हैं, तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को भ्रमित करने के लिए, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी आए, जब 5 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये लोग इस उत्तराखंड प्रदेश में आए और इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। कहाँ है वो अच्छे दिन? महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को आज आवश्यकता है कि जंगली जानवरों के हमलों से बचाने की। आज हमारी जो पहाड़ की खेती जो है उजाड़ हो रही है, तमाम प्रकार के जो लैंटना और दूसरे प्रकार के घास, जो खरपतवार प्रजाति के घास हैं, जो घास के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, उनसे जंगलों को बचाने की जरूरत है, गांव के खेतों को उनसे बचाने की जरूरत है। अब ये घास की दुकान खोलेंगे गांव में, कौन लोग वो होंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी सब समय के गर्त में है। और देश के गृह मंत्री जी अगर उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कुछ पैकेज लेके आते, उत्तराखंड के किसानों के लिए कुछ पैकेज लेके आते, उनका कर्ज माफ कर देते, तो हम महंगाई पर अंकुश लगा देते। कहते कि उत्तराखंड के लोगों के लिए हमने जो है तेल के दाम कम कर दिए, महंगाई को घटा दिया, तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने वाले हैं। और केवल जो है इनके पास कुछ रहा नहीं, तो ये छोटे से राज्य सरकार के जो त्रिवेंद्र जी 5 साल कृषि मंत्री रहे, उसके बाद वो 4.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस काम को किया नहीं। अब आप कहते हैं कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको अब लॉन्च करो, तो लॉन्च करने के लिए वो घन सिंह जी जो सहकारिता मंत्री है वो 3 दिन पहले कर चुके। अब देश के गृह मंत्री को
उत्तराखंड की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वो सब आए हैं। बात करते हैं दैनिस की, क्या दैनिस आज नहीं दिख रही है? संबोधन में कह रहे थे कि आपके कार्यकाल और उनके कार्यकाल पर चाहो तो आप किसी चौराहे पर भी बहस करा लो, वो बहस करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा नकली शराब पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि किसके कार्यकाल में बनी थी नकली शराब? देखिए, जो शराब बनी है क्या वो फैक्ट्री आज बंद हो गई? दिल्ली में वो खूब बिक रही है, उत्तराखंड में आज भी बिक रही है। तो कल वो नकली थी और आज असली हो गई? भारतीय जनता पार्टी के राज में वो असली हो गई? तो ये दोहरे मानक इस प्रकार के मानक है। और भारतीय जनता पार्टी के पास वो चौराहे पे क्या उनको कमरे के अंदर कोई बताने के लिए नहीं है? उत्तराखंड की जनता को इन्होंने ठगा है, छला है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने देश के प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता के जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वर्तमान में जो माननीय गृह मंत्री है, उन पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देते हुए 57 सीटें दी, डबल इंजन दिया। और उसके बाद डबल इंजन के बाद जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तमाम त्रासदी आई है, आपदा से तमाम लोग ग्रसित हैं, उनके लिए सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास कोई पैकेज नहीं है। उनकी सुध लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो हवाई दौर करते हैं, सैर सपाटा करते हैं और उसके बाद देहरादून में आकर एक योजना का नाम लेकर चुका है जो 18वीं सदी की याद दिलाती है, जो पिछड़ेपन की ओर ले जाने की बात करती है। इस प्रकार की योजनाएं ला करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। पर उत्तराखंड की देश के लिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में आने वाली नहीं है। इनके ढकोसलों को, इनके जुमलों को आज उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है और 2022 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इनको जनता जो है विदा करने वाली है उत्तराखंड से। चलिए, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 में क्या होगा और क्या नहीं। मोनिका गुप्ता जी, आपकी जो ये योजना है घसियारी योजना, शुरू से ही विपक्ष इस घसियारी वर्ड पर आपत्ति जताता रहा है और अभी भी आपत्ति इसी बात पर है कि ये घसियारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। उसके अलावा कह रहे हैं नेगी साहब कि सहकारिता मंत्री जब इस योजना को लॉन्च कर चुके हैं तो फिर आज अमित शाह को आकर दोबारा लॉन्चिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि 5 साल में आपने क्या किया? अभी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी जी बताइए। सारे योजना है हमारे पशुओं के लिए और दुधारू जो जानवर है उनके लिए, तो महिलाएं सारा इकट्ठा करने जाती है क्योंकि एक प्रकार का घास कहता है। तो घसियारी योजना को जो लिया गया है ना, जो नाम रखा गया है, ये घास को लेकर लिया गया है। आप उसका तो उठाते नहीं, लेकिन उसका सीधा अर्थ नहीं देख रहे की महिलाओं को 3.5 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आप आंकड़ा उठा के देखिए कि उत्तराखंड में जो भी कृषि हो रही है या जिस तरीके का जो भी पशुपालन हो रहा है, उसमें पुरुष वर्गों का उतना ज्यादा महत्व है ही नहीं, वो उतना ज्यादा उसमें योगदान भी नहीं देते जितना की महिलाएं इन कामों को करती है। हमारे जानते हैं कि पालन के लिए रहने वाले हो तो इनको पता होगा कि इनकी ही मार्ग जाती थी और वही घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको जो महत्वपूर्ण योजना है महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे संस्कृति में है, संस्कृति में है कि हम प्रत्येक घर में अपने जी अरे मैं आपको थोड़ा सी बता दूं, मैं बाहर का आदमी हूँ, आज भी मैं घास काट सकता हूँ और काटता भी हूँ। और हमने नजदीक से देखा है कि बाहर के जीवन को, खेती को, बाड़ी को, पशुपालन को आज भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने नजदीक से देखा है। आप थोड़ा सी जरा इस बात को मत कहिए कि किसी ने देखा हो, करा हो, हमने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
सूरज सिंह जी, एक बात तो साफ है, देखिए अध्ययन भी ये बताता है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर महिलाओं को चारे के लिए मशक्कत तो करनी पड़ती है, 8 से 10 घंटे पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से चारा मिल पाता है। अब ऐसे में अगर इस योजना के जरिए आसानी से चारा उपलब्ध हो जा रहा है तो ये तो समस्या का समाधान ही है ना नेगी साहब। तो एक गाय का पालन करने के लिए उसको जो है 30 से 40 किलो जो है चारे की आवश्यकता होती है। अब चारे चारा जो है ये बेचेंगे तो उसके लिए पैसे वो कहां से लाएंगी, महिलाएं कहां से वो पैसे का बंदोबस्त करेंगी, क्या सरकार मुफ्त में उनको दे रही है? और कितनी, हमारा कहना ये है कि जब सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी इस योजना को लॉन्च कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गांव में घास की दुकानें खुलेंगी, तो महिलाओं की तरफ से जो है उपहास उड़ाया गया मंत्री जी की बात को। तो मंत्री उन महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के लिए ये बात करते हैं कि हमने इनके लिए धजियारी योजना लाए हैं, वही महिलाएं उस योजना का उपहास उठा रही है, वो हंस रही है कि क्या मंत्री जी क्या बात कर रहे हैं, इनके पास जो है क्या क्या कर रहे हैं, ये किस प्रकार की योजना है? आज हमारी महिलाओं की तुलना जो है बछेंद्री पाल से होती है, आज तमाम जो है बड़े बड़े नाम रोशन कर रही है हमारी महिला, और ये हमारी आज की बहु बेटियों को घसियारी बना रहे हैं, घसियारी शब्द उनको दे रहे हैं। मुझे तो 18वीं सदी की भू आती है इनकी मानसिकता पे कि हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय और उनको अच्छा कोई नाम देने के बजाय 18वीं सदी का नाम दे रहे हैं। कौन है घसियारी, कितने लोग अपने को जो है इस नाम से संबोधन कराना चाहेंगे? तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का, यहाँ के महिलाओं के उत्थान का। आज तक जो जंगली जानवरों के उत्पाद हैं, जंगली जानवरों से जो हमारी महिलाओं को क्षति हो रही है, उनकी जानमाल को बचाने के लिए आपने प्रदेश सरकार ने अपने टाइम पर इन सारी चीजों को सोचा था? ऐसा तो है नहीं कि 2017 से ही जंगली जानवर उत्तराखंड में प्रवेश कर गए, उसके बाद से ही उत्तराखंड की महिलाओं को जंगली जानवरों से इस समय भय का माहौल बना हुआ है। जंगली जानवरों की समस्या ये तो आपके समय में भी थी, आपने कितना रोक लिया इसे? हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास किया था, सफल हुआ प्रयास, परंतु 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बता दें कि इन्होंने इस दिशा में कोई काम किया हो। लेंटाना की झाड़ियां हैं, गाजर घास है, ये तमाम प्रकार के जो खरपतवार प्रजाति के जो घास हैं, उससे हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। नेगी जी, नेगी जी, लौट रही हूँ आपके पास एक बार। अभी दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक एक रिएक्शन इनसे ले लेते हैं। मोनिका जी बताए जी। पहली बात तो देखिए मैडम, नेगी जी को मैं ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगी कि घसियारी योजना का सीधा संबंध घास और चारे से है, ना कि महिलाओं के नाम से है। ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि घसियारी नाम रख दिया, घसियारी का मतलब ही सीधा घास और चारे से है जी। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। अभी सूरज सिंह जी आप इतनी देर से बोल रहे हैं, अब 2 मिनट का समय उन्हें भी दे दीजिए, 2 मिनट का समय तो दे दीजिए, वो बात तो रख लें। भाई साहब यहाँ करेक्ट नहीं करना चाहूंगी। पहली बात तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये कह के महिलाओं को भी आप बोल रहे हैं, अपमान आप कर रहे हैं, क्योंकि योजना सारे को लेके लाई गई है, बोला गया है, आप भ्रमित कर रहे हैं। पहली बात कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, महिलाओं को भड़का रहे हैं, ये कह के कि ये योजना आपके नाम पे लाई गई, उनके नाम पर नहीं लाई गई है। चारा या घास किसको घसियारी बोला गया है? नहीं करेंगे, हमारी मात्र शक्ति को आइए, अनाथ सलाब के नाम मत दीजिए, 18वीं सदी के नाम मत दीजिए। योजना का नाम है सूरज सिंह जी, महिलाओं को घसियारी नहीं बुलाया जा रहा है, योजना का नाम रखा गया है। ये चारे के लिए दिया गया नाम है, चारे के लिए दिया गया नाम है, ना कि महिलाओं को दिया गया नाम है। 21वीं सदी के उत्तराखंड में सूरज सिंह जी पहले आप मुद्दा समझिए मैडम, आप इन्हें मुद्दा तो बताइए। आप समझ नहीं चाह रहे सूरज सिंह जी,
आपको बार बार यही तो बताया जा रहा है कि महिलाओं को घसियारी नहीं बुलाया जा रहा है, योजना का नाम घसियारी है। मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, ये योजना के नाम होते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण योजना, ये योजनाओं के नाम होते हैं। ये अपमान तो ये कहते हैं, ये अपमान ये खुद कर रहे हैं और इनकी पार्टी कर रही है, इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है यहाँ से कि मैं। चलिए हमें दोनों को शांत होने के लिए कहूंगी। संगीता शर्मा जी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। संगीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है संगीता जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है। घसियारी योजना पर भी हम आपका रिएक्शन चाहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अमित शाह का जो ये दौरा रहा वो पूरी तरीके से विफल रहा है। देखिए उत्तराखंड के आते हैं और रैली करते हैं, लेकिन ये सब एक प्रलोभन है। भाजपा सरकार के पास अपने काम गिनाने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है और उन्होंने पिछले 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया है। बेरोजगार युवाओं को सड़क पर ला दिया है बिल्कुल, और जिस तरीके की हालत फैल चुकी है, हम पूछना चाहते हैं कि जब माननीय गृहमंत्री जी यहाँ आए तो उन्होंने 4.5 साल में जो भाजपा सरकार ने काम किए उनको क्यों नहीं बताया, उनकी बात क्यों नहीं? क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं किए हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही है। माननीय हरीश रावत जी जब थे तब वो ये घसियारी योजना वाली बात करते थे और आज माननीय गृह मंत्री जी आते हैं और इसका शुभारंभ करके जाते हैं। तो भाजपा सरकार ने किया क्या है आज हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 4.5 साल में यहाँ के अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं है? इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि 50,000 सरकारी नौकरी देंगे, वो कहाँ है? आज तक क्यों नहीं मिली है? बेरोजगार युवा सड़कों पर क्यों है? तो इतने काम जो है, काम इन्होंने नहीं करना है। दोनों पार्टियों ने आज तक कोई काम नहीं किया। जो कांग्रेस आज कहती है और बात कर रही है, हरीश रावत जी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने वो काम क्यों नहीं किए? उत्तराखंड के लिए उन्होंने विकास की बात क्यों नहीं की? उन्होंने वो क्यों नहीं सोचा? आज बेरोजगार, आज हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में है, तो पिछले 20 सालों में उसकी दर इतनी क्यों बढ़ गई है? बल्कि बेरोजगारी खत्म होने जानी चाहिए थी। हमारा इतना छोटा सा राज्य है, हम यहाँ पूरे संसाधन से युक्त बैठे हुए हैं। हम महंगाई की बात करें तो साथ में आसमान पे आज महंगाई चढ़ी हुई है। दो मुख्यमंत्री बदले, तीसरे दो मुख्यमंत्रियों का तो जीरो वर्क काम रहा, तीसरे मुख्यमंत्री जी आते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, क्योंकि अभी 100 दिन भी बाकी नहीं बचे हैं, ये केवल घोषणाएं रह जाएंगी और काम कुछ नहीं होगा धरातल पर। ये जनता को एक बरगलाने का प्रयास है इनका, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, वो समझ चुकी है कि पिछले 20 सालों में इन दोनों पार्टियों ने केवल केवल हमें ठगने का काम किया है और अब वो वक्त आ गया है कि तीसरा विकल्प उनके सामने है और 2022 में जनता उन्हें इसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता, यहाँ के युवा, यहाँ की माताएं बहने, सबको सिर्फ इन दोनों सरकारों ने ठगा है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन धरातल पर जीरो है। भ्रष्टाचार, ये दोनों सरकारों ने केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार का काम किया है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट घोटाला हो, NH-74 घोटाला हो और अभी कुंभ में हमारा टेस्टिंग घोटाला हो। तो ये दोनों बस एक पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो अब चाहे भाजपा सरकार के या और कितने भी बड़े बड़े नेता आकर के उत्तराखंड में रैली कर ले, चुनावी भाषण और सब कुछ दे दें, लेकिन अब उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार को पूर्णतया नकार चुकी है और 2022 में ये सबके समक्ष होगा। और ये बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए अब आम आदमी पार्टी को मौका देगी उत्तराखंड की जनता। मोनिका गुप्ता, सरकार भाजपा की होती है तो कांग्रेस पे आरोप, कांग्रेस की होती है तो भाजपा पे आरोप, बस इनका यही काम है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन उत्तराखंड के विकास की बात मत कीजिए। उत्तराखंड में काम होने हैं उनकी बात मत कीजिए, बस एक दूसरे पर चिल्लाइए। मोनिका गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? मोनिका गुप्ता जी से संपर्क टूट चुका है। नेगी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, कहना है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी का कि ए और बी टीम है, बीजेपी और कांग्रेस, तो दोनों बस एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन उत्तराखंड का विकास आज तक दोनों ही पार्टियों में से किसी ने नहीं किया। देखिए उत्तराखंड पार्टी में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं है और ये कांग्रेस को चाहे भारतीय जनता पार्टी ए और बी पार्टी बता दे, ये जग जाहिर है। संगीता जी, दिल्ली में खत्म कर दिया है कांग्रेस का अस्तित्व, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खत्म कर दिया।
अस्तित्व तो नहीं खत्म कर पाएंगे। दिल्ली में माने हम सत्ता में नहीं है, दिल्ली में हम जीते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कहा कि दिल्ली में खत्म कर दिया। अरे गलतफहमी आपको उत्तराखंड को लेकर भी है कि उत्तराखंड में आप रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी अपने अस्तित्व को हटाएगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। कहीं उनके पास तीसरा विकल्प नहीं है, झूठ बोलने वाला तीसरा विकल्प है। आम आदमी पार्टी जो काम करती है करती है, उत्तराखंड की गारंटी रोजगार गारंटी की बात की है। आप चेक करें युवाओं ने उत्तराखंड में रोजगार गारंटी कार्ड भरा है, क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। लाखों की संख्या में युवा हमारे रोजगार गारंटी से जुड़ते हैं, जो अभी 20 दिन पहले शुरू हुई थी। लाखों युवा है वो ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही उनका भविष्य है, वही उनको दे सकती है। बहकावे में आने वाली नहीं है, कहीं अस्तित्व नहीं है तुम्हारा बताएगी। अभी 2022 आने में भी ज्यादा समय बचा नहीं है, देखने वाली बात रहेगी कि जो मिथक है वो चलता रहेगा या वाकई में उत्तराखंड की जनता अब कोई नया विकल्प तलाशेगी, और आम आदमी पार्टी अपनी कितनी पैठ मजबूत कर पाती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह देवभूमि में है। आज उन्होंने देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जहां मुख्यमंत्री द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है लॉन्च की है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है। अमित शाह का ये दौरा क्या वाकई में वोटर्स को रिझा पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।